मुहर्रम का चांद दिखाया सब मौलाना बात एक तरफ, मोहल्ले के मुफ्तियन एक तरफ, मुफ्तियन हर घर घर में एक को मुफ्तियन पैदा हो गई। अब मुहर्रम में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अब मौलाना मौलवी बात नहीं चलेगी, अब घर के मुफ्तियन की बात चलेगी। हर घर में चांद दिखाया, अगर चांद दिखाने वाले अगर आप खाली घर में मछली घुसा दीजिए, अरे अरे मछली लगता है जहर नहीं खाया, नहीं खाती बहुत औरत है क्या घर में मछली नहीं पकने देता है। जब गए थे मुहर्रम के जलसा में मर्द सब खाना पकाया था मस्जिद में, लगा है गोश्त कहे बनाए, अरे मौला साहेब आज गोश्त ना बन दो क्या क्या करोगे जिंदगी में मुहर्रम के नाम, मतलब ये लोग तबाह करके रखा है। पढ़े हम फतवा दिए, जो औरत जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, न कभी कुरान खोल के देखी, न क़िबला की तरफ कभी घूमी, मुहर्रम में बड़की चौकी जगरना के दिन बैठ के तजिया के सामने दरगाह के सामने क्या हुआ, मर्सिया मुल्ला साहेब मर्सिया पढ़ो मुल्ला साहेब, लगता है पूरा खानदान खत्म हो गया। अजीब तमाशा बनाया है लोगों ने, पूरे जिंदगी भर पूरे मुहर्रम में देखिए दरगाह पास बैठ बैठ करके एक तरफ अखाड़ा देख रहा है, लड़का लोग कूद फान रहा है, एक तरफ औरतें बैठी है, एक तरफ लड़का लोग खड़ा है, बीच में लोग अखाड़ा देख रहा है। होता है हर मोहल्ला गांव में मेला में मेलवान भी देखिएगा टाणिया, कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है और कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं ना यहीं से देख रहा है, कोई खलवा देख रहा है क्या करोगे, अरे पूरी जिंदगी में यही करोगे, अरे करबला समझना हो तो आपके अपने घर पे नहीं मैदान है करबला का, तारीख उठा ले एक नाम से उठा ले और उस पर अमल कर लोगे तो पूरी जिंदगी समझ। करबला के नाम पे क्या क्या नहीं मुसलमानों ने किया, अभी एक जगह गए थे चंचल भाई, दुगो औरत आके पूछ रही थी, हाँ झारखंडी बाबा आप ही हैं, हम बोले हाँ हम ही हैं, बोल हम लोग सोचे थे झारखंडी बाबा बूढ़ा सूढ़ा होगा, आप तो एकदम जवान हैं, हम बोले आपको क्यों परेशान है आप क्यों परेशान है, बोले हजरत सुनते हैं कि मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद 10 दिन खाटी नहीं सुतना चाहिए, हम बोले नहीं गाछ में चढ़ जाना चाहिए, अजब माहौल है, मुहर्रम का चांद दिखाया खटिया खड़ा किया, अजीब तमाशा है। अब खटिया अच्छा ये बात सुनिए, जो मुहर्रम में मुहर्रमिया होता है जो दरगहिया होता है मुजावर, उनकी बहू सब 10 दिन हाथ में पानी नहीं देती, बहुत जगह रस्म है, हम बोले 11 महीना शोहर और मुहर्रम में भैंसू, बारे मुसलमान ये रिश्ता खत्म, और शोहर भी सोचता यार लाए चलवा कखन खत्म होते भी इस बात कर कर क्या तमाशा बना के रखे, अरे मेरी मानुष ने शहीद ना हुए के लोग मछली खाना छोड़ दे सोना बंद कर दे टीवी से बातचीत बंद कर दे, अरे बल्कि मुहर्रम मनाना हो घर के बेटी को कहो एक ही तो कुरान खोल के पहले करबला का सकीना याद आएगा, आप लोग थक गए सुनना चाहते हैं कितनी देर बोले, अब तब बोल नहीं पाएगा, 2 घंटा फंस गए 3:45 में अजान है।
कैसे बोलेंगे? ले बेटा वो नहीं करा दिया बाबू, चलो बहुत दिन के बाद एक जगह दिया था धनबाद के बोकारो में, 200 का नोट दे दिया 3 बजे भोर, थर थर ही हो रही पैसों, और 3:30 बजे 500 जब पकड़ा दिया हम कमाम चले गए। हाँ लेकिन यहाँ लच्छू डी बहुत मशहूर गांव है, मैंने सोचा कि भाई बारिश हो रही क्या होगा क्या, लेकिन माशाल्लाह पता चला कि करबला में बारिश पानी नहीं था, लेकिन हुसैन के घर वालों ने करबला नहीं छोड़ा और यहाँ पानी बरस रहा था, तो हुसैन के मानने वालों ने महफिल मुस्तफ़ा नहीं छोड़ा। ये मोहब्बत है, थोड़ी देर सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। अब खाली हाथ में मचा, अब इस्टे में क्या मचेगा, जो भी 10-20, 100-50 लेके आया था दे दिया, अब समझ के दिया, अगर समझ के दिया दे तो दिया। अब मेरी तकरीर खाली सुनिए, अगर पसंद लगे तो सुभान अल्लाह बोलिए, चाहे मत बोलिए, कसम खुदा की मैं चैलेंज करता हूँ। नकीब साहब हमारे गिरिडीह और झारखंड में, गिरिडीह में, धनबाद में, आपको मधुपुर में, हजारीबाग, हमारे अगल बगल जितने शहर मुकर्रर हैं, पूरा हिंदुस्तान का दौरा करता है, हमारे हमारे जलसों में बम्बे यूपी गुजरात के शहर की जरूरत नहीं है, अब आना भी नहीं। बार वाला पड़े हमारे यहाँ कम शहर है, 3-3 जलसा कर देगा एक, लेकिन इन लोगों को चाहिए बम्बे वाला, कलकत्ता वाला, गुजरात, कसम खुदा की हजरत कुछ नहीं, खाली मकवाम खड़ा हो जाएगा गुजरात वाला, चूंकि 60,000 लिया है और खड़ा होकर खाली खाली क्या नंगरी क्या करोगे, बम्बे वाला कलकत्ता वाला खाली खड़ा होगा, टेढ़े खड़ा होता है, जितना बड़ा शहर घोड़ा उठे खड़ा, जहाँ खड़ा हुआ नारे यहाँ सुना रहा वहां सुना रहा, और जहाँ गिरिडीह वाला पढ़ेगा बैठ 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 क्या करोगे, याद रखो देवल मशोला की कदर भी करो, आज आपके जलसे में आए हैं, कल मौका मिलेगा तो आपके माँ बाप जनाजे में भी आएंगे, और तुम्हारे जनाजा पढ़ के वो दुआ करेंगे, वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा। मेरे इमाम मैदान करबला गए नहीं थे, मेरे इमाम मैदान करबला गए नहीं थे, बुलाए गए थे, अपने से नहीं गए थे, चिट्ठी दे के आ इमाम हुसैन आजा कूफा आजा, यजीद लोग मजबूर कर रहा है, यजीदी सब आइए, आप आइए, आपके हाथ पे हम बैत करेंगे, आपके शपथ लेंगे, आपको मानेंगे, आप आ जाइए। तब मेरे इमाम हुसैन 8 जिलहिजा को मैदान करबला मदीना मक्का से चले थे, 25 से 26 दिन के सफर के बाद करबला पहुंचे थे, 2 मुहर्रम के मुहर्रम को पहुंचे थे करबला। अच्छा करबला करबला कहाँ है, नेपाल में कहाँ है, ले ले करबला ले नेपाल में, बोले नेपाल में, बोलो नेपाली में, परवरदिगार पूरा मुर्गा खानदान खा गया, पूरा मुर्गा गुस्ती भया तो खत्म कर दिया, लेकिन अभी तक किसको करबला नहीं, के कहाँ एक जगह बोल के गुजरात में हवे पर, याद रख मैदान करबला, आप इराक की सरजमीन सुने, इराक कहाँ है, कुछ इतना बाल बच्चा पढ़ेगा कब, खाली मोबाइल में पबजी फ्री फायर खोजो नेपाल में करबला, याद रख पढ़ा बेटे को कुरान, इतिहास पढ़ा, तारीख पढ़ा, कुरान पढ़ा, चौदह करबला की तारीख पढ़ेगा, दुश्मनों के बीच में ये ऐलान किया था, ए यजीदियों हुसैन मदीना छोड़ के मक्का आए, मक्का छोड़ के करबला आए, ए यजीदियों सुन लो, हम यजीद को नहीं मानेंगे, ना हाथ देंगे, ना शपथ देंगे, ना वोट देंगे, ना बादशाह मानेंगे, तब यजीदियों ने कहा था हुसैन नहीं मानोगे तो खानदान देना होगा।
हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ मांगा था दे देते, एक हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते तो बस के दोनों बाजू बच जाते, आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिए। कभी सुने एक हाथ मांगा था पूरा खानदान दे दिए। इमाम हुसैन ने कहा यजीद शराबी है शराबी, और अगर हम शराबियों का सपोर्ट कर देंगे कयामत तक नाना की उम्मत ही भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएगी। इसलिए आज करबला में ऐलान कर देंगे कि सुबह कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। अगर लछूडी में कोई शराब पीता है वो हुसैनी नहीं हो सकता, ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है। हालांकि यहाँ नहीं कोई है, यहाँ सब दूध के घोल है। आजकल फैशन समझ लिया हजरत, मुसलमान लोग पढ़ा लिखा कहाँ मिलेगा, हम ही लोग चार को पहुंचे हैं दुनिया पहुंची। सही बता रहा है, ये लोग के चक्कर में, अरे वाह नमाज अभी देख रहे हो दरगाह हमारे मोहल्ला बगल में, जिंदगी मुझको अलीफ से भेंट नहीं, न मौला पर बैठा न मदरसा गया, दरगाह सामने एकदम इमाम बड़ा फातिहा पढ़ा था, क्या हुआ और फातिहा पढ़ा पढ़ा पूछो नहीं जानता, खाली खाली घुसा रहा, अरे एकदम हुआ हमले चुक चुकवा को किताब में हो, अजीब चुकवाता मोहर्रम अब उच्च पगड़ी, अरे बाप, अरे एक के छुरी में पूरा मुर्गा खंडन खंडन खंडन, एक छुरी में सब मुर्गा, भाई छुरी में जबा करो लेकिन कम से कम धो लो, एक छुरी जबा करो खून लग जाए तो वो खून फासिल ना पा, फिर दूसरा मुर्गा जबा करो तो उसको धो लो। अब पढ़ा लिखा तो है नहीं मुर्गो, फेंकते गया, अब चाल में है कपार में फेंका रहा, अगर मौला हाँ एक दो को पारो कर दिया तो मुड़िया झटके फेंक दिया मुड़िया, ताकि मुड़ी कौन देखेगा रात रात सुबह देखो बल मुड़िया दरगाह ही रख रख, अजीब तमाशा बना क्या करोगे। सात मुहर्रम को दहमो दोपहर में यजीदियों ने इमाम हुसैन से पानी बंद किया था, सात मुहर्रम को दोपहर के टाइम में किसने ये दोपहर या कहा, और वहां करबला में सात मुहर्रम को पानी बंद, यहाँ मुसलमान के घर में ढोल बजा बजा के मुर्गा जबा करना शुरू। रीजन क्या है उस दिन मुर्गा जबा करना, उसी टाइम जिस टाइम करबला में पानी बंद हुआ उसी वक्त तुम भी जबा करते हो, ढोल बजा बजा के मुर्गा जबा कर रहे हो, जबकि मैदान करबला में फरमान जारी किया था यजीदियों ने कि हुसैन फजर से जोहर तक टाइम दिया जा रहा है, आखिरी चांस है मान लो, कहा नहीं मानेंगे, कहा पानी बंद कर देंगे। इमाम हुसैन ने कहा कि तुम लोग पानी बंद कर दोगे तो हुसैन सब्र कर ले, सात मुहर्रम को पानी दोपहर में बंद, और सुन्नी मुसलमान घर में मुर्गा जबा करना शुरू। रीजन क्या है, सुबह कर लेते दस बजे कर लेते चार बजे करते दोपहर में कहे जबा करो, अब कहें मौलाना परंपरा है बाप दादा कर रहा था, तो हम लोग कहाँ से आए, हम लोग जब बाप दादा नहीं जानते थे, अब हम लोग पढ़ लिख क्या, हम लोग को बात मानिए, बल मौलवी तोलवी बात ना चल चल नहीं चलने देता, नहीं चल चल आप लोग रहिए उधर, हम लोग काम करेंगे इधर, अगर कोई मौला फतवा दे दिया है ढोल नहीं बजाना चाहिए तो रहे कि ना रहे, मुफ्ती हो गए कि बहुत बड़ पढ़ लिखा लगे, कसम खुदा की माँ बहने, अरे बाप मुहर्रम के मेला दिन देखना, उसको क्या पता है कि आज क्या होने वाला, क्या हुआ था कुछ कुछ पढ़ेगी तब नहीं, 11 बजते बजते नहा धो के तैयार, 12 बजते बजते एकदम सिंगार मसाले बैठ गई, 1 बजते बजते पोता पति रगड़ा रगड़ी घस घस पूरा फेस वॉश फेरन लवली ही को टर मरी मरी लेके चेंगर बुतरू कपड़ा पहना के घिस चलने ते चलने मरने फिरने चलो मेला, जब तक दुकान नहीं तब तक जब पकौड़ी खाके बैठा लो सुसुआ हो मिर्चा हो करो बड़ बड़ी झाल लागो मिर्चा रे आजी तमाशा हमने औरत दन डाकी ने रे ई मेलवाम काए गुलगुलिया जा गए का तेरी पहले माए मुशायो में आशूरा का रोजा रख लेती उसे रोजे की प्यास सताती करबला याद आता नमाज असर का ख्याल होता इस तारीख के वक्त उसे याद आता तो वो मैदान में डाल
तीन बजने लगा हो। फूले खाली बचलो पिन्हे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, जिस तरह फूलों में कोई गुलाब नहीं है ऐसे ही झारखंडी बाबा का कोई जवाब। हाँ कल भी हम आएंगे, भोलापुर में को मिला शरीफ है, आएंगे ये कहवारा में पहुंचा के कहीं आना आएंगे इंशाल्लाह, जिंदगी सलामत रही। मैं आज लगभग 24-25 दिन लगातार सफर पे हूँ, सो नहीं पाया, मेरी आंख भी सोचती होगी अल्लाह ककर कपार में फिट होगी। ये क्यों मिल मिलाता है, ये क्यों सोचता है अल्लाह दूसरे से फिट करता है, इसमें क्या फिट करता है, लेकिन अल्लाह का करम है और मैं 50 प्लस मेरी उम्र है। समझना होगा, आजकल वो मार्केट में चला है, पहले कहता था ओ भाई ओ दोस्त, अभी हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये नका माल कहां से आया रे बाप, हेलो गाइस, हेलो गाइस, वे अल्लाह ये फुटन बाद सब बर्बाद कर दिया, गलियां बट बट के खाली मोबाइल, खाली मोबाइल, या बेटा सुना सुना लालू को पोजेस्ट किया आया है, चलो माशाल्लाह हजरत बर्बाद है, सही बता रहा हूं। अच्छा हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं, रास्ते में कहीं गैर मुस्लिम के गांव में गुजरते हैं, लेकिन लड़का लोग नहीं मिलता है, कहीं बाय चांस, लेकिन जहाँ मुस्लिम गांव में घुसिए 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात तक, 4 बजे वहाँ मथवा सटा के बैठा ले, 5 बजे पीढ़ाम, 6 बजे दरख्त के नीचे, 7 बजे दुकान के गुंटी, वहाँ चौकिया में यहाँ बैठ के खाली मोबाइल खोल के मर 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 मर, पूरी रात खत्म हो गई 12-1 बजे रात तक, जब मुँह चुकरी की तरह हो गया तब उठा चल दिया, अब जाके किधर जाके सोया और 9 बजे तक सुत लिए है, अब सुबह उठ रहा है, मन मौलाना साहेब मथवा घुमाओ, बाबू आज क्यों इतना कमजोर तू दिखा रहा है, खाली मोबाइल चला चला करके का तेरा बेटा एक दिन कुरान पढ़ेगा। अरे मेरे भाइयों एक मैसेज तेरा दोस्त तू भेजता है, तुम खाना छोड़ के पहले मैसेज पढ़ते हो, तेरा फ्रेंड एक मैसेज भेजे व्हाट्सएप में, लुकमा मन पहले मैसेज पढ़ा, कभी तूने सोचा तेरे रब ने प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे तेरे पास 30 बरस कुरान का मैसेज भेजा है, काश तू कुरान का मैसेज पढ़ लिया हो।